अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफिक्स के वीडियो सबसे पहले। प्रियंकर मिरुत उत्तर प्रदेश के एक भारतीय क्रिकेटर है। उन्हें भारत के अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया था। प्रियंकर का जन्म 30 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के मिरुत में हुआ था। उनका पूरा नाम प्रियम कुमार गर्ग है। वो स्कूल नहीं गए क्योंकि वो क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते थे। उनकी माँ का निधन तब हो गया था जब वो केवल 11 वर्ष के थे। वो एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से संबंधित है और वो अपनी माँ की मृत्यु के बाद अपने परिवार का सपोर्ट करने के लिए क्रिकेट छोड़ना चाहते थे और नौकरी करना चाहते थे। हालांकि उनके पिता ने उन्हें ट्रेनिंग जारी रखने और क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किए। प्रियम के पिता नरेश गर्ग डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर में एक ड्राइवर है। उनकी माँ कुसुम देवी का 2011 में निधन हो गया था जब प्रियम 11 साल के थे। उनके बड़े भाई शिवम गर्ग फार्मासिस्ट है और उनका एक और भाई है। उनके 3 बड़ी बहन है जिनका नाम पूजा, ज्योति और यशु है। 6 साल की उम्र से प्रियम ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए थे। उनके पिता के फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था लेकिन जब प्रियम क्रिकेट में बहुत अच्छे थे उनके पिता ने मिरुत के विक्टोरिया पार्क क्रिकेट ग्राउंड के कोच से संपर्क किए और उन्होंने उनसे प्रियम को खेलने के लिए अनुरोध किया। कोच संजय रस्तोगी ने उन्हें खेलते देखा और उन्हें तुरंत पता चल गया कि प्रियम में कुशल बल्लेबाज थे और वो प्रियम को मुफ्त में ट्रेनिंग करने के लिए सहमत हो गए। क्रिकेट का मैदान उनके घर से 40 किलोमीटर दूर था और वो हर दिन अपने एक भाई बहन के साथ बस में क्रिकेट ट्रेनिंग लेने के लिए जाते थे। 2018 में उन्हें राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम में चुना गया था। उन्होंने अपने सूरत विजय ट्रॉफी में किए। एक महीने के बाद जब वो रणजी ट्रॉफी में खेल रहे थे तब उन्होंने अपना पहला शतक गोवा के खिलाफ बनाए थे। उन्होंने कहा कि रायना ने उन्हें कुछ अच्छे सुझाव दिए और उन्होंने उनसे बहुत सी चीजें भी सीखे। 2 दिसंबर को BCCI ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका में 2020 अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत के अंडर-19 टीम के कप्तान के रूप में नामित किए। प्रियम चेस खेलना पसंद करते हैं। वो गेंदबाज बनना चाहते थे लेकिन उनके कोच ने उन्हें बल्लेबाजी पर ध्यान देने की सलाह दी जैसा कि वो एक बहुत ही कुशल बल्लेबाज थे। जब वो बच्चे थे तो उनका परिवार एक टीवी नहीं खरीद सकता था इसलिए वो अपने घर के पास एक पान की दुकान पर क्रिकेट मैच देखते थे। उनके पिता स्कूल बस चलाना, दूध बेचना और अखबार पहुंचाना जैसे अजीब काम करते थे। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर इसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।